हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्श्वनाथ डेवलपर्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये कंपनी जो मेन जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो ये कंपनी क्या काम करती है, बिज़नेस सेगमेंटेशन जिस तरह से आपको पहले ही पता चल गया रियल स्टेट बेस्ड कंपनी है, बट उसके साथ साथ में यहाँ पर रियल स्टेट के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है कंपनी यहाँ पर बनाती है उसके बारे में बात करेंगे। कैश फ्लोज किस तरह से कंपनी देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से देखने को मिल रही है, यहाँ पर करंटली शेयर का प्राइस जिस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो निवेश किया जा सकता है नहीं, कॉप प्रमोटर की जो होल्डिंग है पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज हुई है या फिर स्टैग्नेंट रही है उसके बारे में बात करेंगे, और क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी के जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके बेसिस के हिसाब से भी क्या हम यहाँ पर एस्टिमेशन लगा सकते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। पार्श्वनाथ डेवलपर्स जो एक ऐसी कंपनी है जिसका जो कंपनी मेन जो प्रोपेगेंडा है बिजनेस है वो यहाँ पर प्रमोशन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल रिटेल कमर्शियल रियल स्टेट रिलेटेड जो भी चीज़ें जो आती है उसके अंदर कंपनी काम करती है। सेगमेंटेशन की बात करो तो रेजिडेंशियल एरियाज जो होते हैं वो टाउनशिप्स रिटेल्स ऑफिसेस आईटी पार्क्स और SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उसके अंदर जो यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा दैट इज सेलिंग का जो यहाँ पर होता है बिजनेस उसके अंदर एक कंपनी मेन जो है काम करती है और उसी के थ्रू जो है इस कंपनी का मेन बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद सेलिंग और उसके बाद जो है कंपनी जो इनकम होती है उसके थ्रू होती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, इस कंपनी का जो प्रेजेंस है बिजनेस प्रेजेंस है वो यहाँ पर 37 सिटीज़ विथ 13 स्टेट्स के साथ में कंपनी जो है काम करती है विच इंक्लूड्स आगरा भिवंडी देहरादून दिल्ली और ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ दैट इज़ गाज़ियाबाद हो गया इंदौर जयपुर मोहाली लखनऊ करनाल ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स में जो है यह कंपनी काम करती है। करंटली अगर यहाँ पर मार्केट कैप की बात करो 326 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्रॉफिटेबल स्टेज में कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -2.83% और डेट यहाँ पर 3,500 दैट इज़ कंपनी के मार्केट कैप से ऑलमोस्ट 10 से 12 टाइम्स जो है महंगी वैल्यूशन पर शेयर यहाँ पर में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। करेंटली शेयर का प्राइस 7.5 और लो प्राइस भी रहा है 7.45 और यहाँ पर जो हाई प्राइस है वो है 27.2 और बुक वैल्यू है ये निकल कर आती है -6.96 रुपीज़। डेट टू इक्विटी डेट 18.1 टाइम्स और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 37.9। सो यहाँ पर पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो देखने को मिली वो ये कि कंपनी का डेट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑल दो रियल स्टेट बेस्ड कंपनी है बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनटू द रियल स्टॉक्स जो रियल स्टेट के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज ऑफ द कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर समझ लो यहाँ पर बिगड़ जाता है तो जो कंपनी जो भी एसेट्स रहते हैं वो स्टेबल रह जाते हैं और बॉट फॉर अ पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जो है बिकती नहीं है लिक्विड नहीं होती तो उसके कारण जो है कंपनी सॉल्वेंसी होती है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो भी तरह जो है ऑल दो डिस्पाइट ऑफ कंपनीज पॉजिटिव जो है कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है बट कंपनी अभी तक 2019-20-21 एज वेल एज 22 के अंदर भी अभी तक जो है प्रॉफिट में यहाँ पर अभी तक हमें आते हुए देखने को नहीं मिली है। सो डेट इज़ अगेन अ नेगेटिव चीज़ जो है यहाँ पर हमें जो है कंसिडर करनी चाहिए बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि वो ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए एंड सेकेंड थिंग इज कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कौन से परसेंटेज कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज किस तरह का कंपनी शो कर रही है उसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड टेंडेंसी होती है। फोकस कर लेते हैं अभी हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो कंपनी की जो चीज़ के ऊपर यहाँ पर हमें ज़्यादा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है वो ये कि यहाँ पर मार्च 2020 को भी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ तो 1,000 करोड़ की कंपनी यहाँ पर सेल्स हुए थे और उस टाइम भी यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आया था वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में लॉस 63 करोड़ का देखने को मिला था। दिसंबर की बात करो तो 300 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू और 69 करोड़ की कंपनी ने यहाँ पर घाटा किया है। मार्च 2022 के अंदर 528 करोड़ का कंपनी का सेल्स और घाटा हुआ है यहाँ पर 259 करोड़ रुपीस का। सो डेट इज़ अगेन अ नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर हमें फॉलो अप कंटिन्यूसली होते हुए देखने को मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव कंपनी के जो है रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं टॉप लाइन ग्रो हो रही है बट कंपनी जो भी बॉटम लाइन है उसमें इतना अच्छा इफेक्ट यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बड़ी है, 69.14% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। FII का निवेश यहाँ पर पहले स्टार्टिंग ऑफ द टाइम इट इज जून 2019 में था 3.73%, जो अभी कम होकर हो चुका है 0.46%। DIA का इन्वेस्टमेंट 0.09% ही बचा है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है 30.31%। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो FII जो है उनकी ने अपना जो है माल निकाला है, DIA की होल्डिंग भी कम हुई है, सो इट इज़ अगेन अ नेगेटिव चीज़ जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करनी चाहिए। ऑल दो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा है बट मोर द लेस यहाँ पर जो है ज़्यादा स्टेक्स जो है पब्लिक के पास भी ज़्यादा पड़े हुए हैं। कैश फ्लोज के ऊपर अगर यहाँ पर फोकस करते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, इट इज़ 468 करोड़ के जो कंपनी की जो रेवेन्यूज हुए हैं वो यहाँ पर हमें ऑफकोर्स डेफिनेटली अच्छा से बेसिस पर जरूर देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं तो सिर्फ 39 CR के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर भी अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो वो देखने को मिल रहा है -525 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए कि एक अच्छा से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अगर हम इसे और ज़्यादा ब्रीफली देखते हैं तो इंटरेस्ट पेड यहाँ पर कंपनी का जिस तरह से डेट देखने को मिल रहा है डेट इज़ ऑलमोस्ट 10 times, डेट इज़ मार्केट के 4000 करोड़ की कंपनी डेट है तो उसके बाद 10% भी समझ सकते डेट कंपनी हर साल 400 से 450 करोड़ का जो है कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए कि जब तक कंपनी के जो डेट है वो कम नहीं होते हैं तब तक प्रॉफिटेबल स्टेज में आना थोड़ा बहुत दिक्कत वाला केस हो सकता है। कंपनी का शेयर यहाँ पर करंटली 7.5 पे चल रहा है और लो प्राइस रहा है 5 ईयर का 1.2 और 1 ईयर का लो प्राइस है रहा है 7.45। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकमेंडेशन तो यहाँ पर नहीं रहेगा बट फिर भी यहाँ पर अगर आपको लगता हो कि कंपनी जो भी इन नियर फ्यूचर अगर समझ लीजिए यहाँ पर कंपनी के जो डेट्स है वो कम होते हैं तो थोड़ी बहुत जो है पॉजिटिव वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि इसका आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको पार्सन और डेवलपर्स कंपनी के बारे में जिस तरह एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।